हिस्ट्री एंड कल्चरल स्टडीज़ में आपका स्वागत है। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि भारत में हिंदुओं के पास अपनी कोई इतिहास लेखन की परंपरा नहीं थी, तो आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। जो इंग्लिश का वर्ड हिस्ट्री है, ये ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से आया है। हिस्टोरिया का मतलब होता है इंक्वायरी करना, यानी कि किसी भी चीज़ को लेके कुछ छानबीन करना, तो हिस्ट्री का मतलब वो है। और हमारी परंपरा में जिसे हम हिस्ट्री कहते हैं, उसके लिए दो शब्दों का प्रयोग होता है, इतिहास और पुराण। इतिहास का मतलब होता है इट दस हैपेंड या व्हाट हैपेंड, जो भी कुछ हुआ उसका आंखों देखा हाल क्या था, ये मतलब होता है इतिहास का। और पुराण का अर्थ होता है व्हाट इज रिमेम्बर्ड, क्या याद रखा गया। और पुराण लिखने वाले जो लोग होते थे उनको सूत कहा जाता था। वो लोग पुराणों को विभिन्न समय पर अलग अलग जगह पे पुराणों का प्रवचन करते थे, और वही लोग इसे रिकॉर्ड भी करते थे ओरली, तो इसीलिए कहा जाता है व्हाट इज़ रिमेम्बर्ड। जो अंग्रेज़ इतिहासकार थे, उन्होंने ये सबसे पहले पढ़ना शुरू करा भारत के इतिहास को, और उनका ये मानना था कि हिंदुओं के पास अपना कोई साइंटिफिक हिस्ट्री लिखने का ट्रेडिशन नहीं है, और इसका एक जो एक्सेप्शन है वो कल्हण की राजतरंगिणी, इसमें कश्मीर का इतिहास लिखा गया है, और उसको भी लेके वो लोग उसमें जो महाभारत का और कश्मीर के पौराणिक इतिहास का जो वर्णन मिलता है उसको वो लोग सही नहीं मानते हैं, और अर्ली मिडिवल पीरियड से ही उसे वो प्रॉपर हिस्ट्री मानते हैं। कॉलोनियल हिस्टोरियंस और बाद के हिस्टोरियंस का मानना है कि जब भारत में तुर्की आक्रमण हुआ और तुर्की सल्तनत यहाँ पे इस्टेब्लिश हुई, उसके बाद ही साइंटिफिक हिस्ट्री राइटिंग हमारे देश में शुरू करी गई तारीख ट्रेडिशन के थ्रू। साइंटिफिक हिस्ट्री क्या होता है? साइंटिफिक हिस्ट्री का मतलब हो गया ऐसी हिस्ट्री जो कॉजेशन पे बेस्ड है, यानी कि अगर कोई घटना घटी है तो उसका कारण क्या है वो साइंटिफिकली एक्सप्लेन करना। एक प्रॉपर क्रोनोलॉजी भी होनी चाहिए। इन लोगों का ऐसा मानना है कि टर्किश जो हिस्ट्री राइटिंग ट्रेडिशन है वो लोग क्रोनोलॉजी को काफ़ी ध्यान देते थे। जैसे अगर आप अमीर खुसरो की किताबों को देखें या हसन निज़ामी की किताब को देखें, ताजुल माशिर और जितनी भी किताबें हैं, तो उसमें हर एक सुल्तान कब आया कब गया सबका पीरियडाइजेशन है, क्रोनोलॉजी बहुत अच्छी मिलती है। और इतिहास पुराण ट्रेडिशन में क्रोनोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है, बस ये बता दिया जाता है कि इसके बाद ये राजा आया, ये डायनेस्टी आई, तो इस वजह से ऐसा कहा जाता है कि हिंदुओं के पास अपना कोई हिस्ट्री राइटिंग ट्रेडिशन नहीं था। लेकिन ऐसा कहना सही नहीं है। उसका कारण ये है कि हमें आज के तरीके से नहीं समझना चाहिए कि हिस्ट्री राइटिंग जैसे आज होता था प्राचीन काल में भी ज़रूरी है कि उसी तरीके से करा जाए। भारत में इतिहास जो रिकॉर्ड करा जाता था ओरली और जो बाद में लिखा गया है, वो मनुष्य के ऑलराउंड डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए लिखा गया है। वो केवल ड्राई डेट्स को याद करवाने तक ही सीमित नहीं है, उससे मनुष्य का अपना पूरा विकास कैसे होगा, चारों पुरुषार्थ कैसे प्राप्त कर पाएगा मनुष्य, धर्म अर्थ संसार और मोक्ष, तो इन चारों बातों को ध्यान रख के उसे लिखा गया है। व्यक्ति के क्वालिटेटिव डेवलपमेंट का उसमें ध्यान रखा गया है। पुराणों में देखिए हमें पूरा डायनेस्टिक लिस्ट हमें मिलती है पूरा, जैसे कि महाभारत के बारे में कहा जाता है पुराणों में कि महापद्मनंद के कुछ हजार वर्ष पूर्व महाभारत का युद्ध हुआ था। महापद्मनंद का वर्णन मिलता है उसमें, नंदों का वर्णन मिलता है, मौर्य काल का वर्णन मिलता है, उसके बाद के शुंग आंध्र सातवाहन इनका वर्णन मिलता है, शकों का वर्णन मिलता है, गुप्त काल के भी कुछ राजाओं का वर्णन मिलता है। भारत में जो इतिहास लिखा गया बाद में, जैसे भानुभट्ट ने जो हर्षचरित लिखा या विशाख दत्त ने जो मुद्रा राक्षस लिखा और देवी चंद्रगुप्त लिखा, कालिदास ने मालविका अग्निमित्र लिखा और भी जो ऐसी किताबें लिखी गई हैं, उसमें इतिहास को एक कथा के रूप में बताया जाता है, जिसका उद्देश्य ये होता है कि मनुष्य केवल इतिहास को एज अ ड्राई डिसिप्लिन ना समझ के उसमें कुछ डाइडैक्टिक एलिमेंट्स भी समझें। डाइडैक्टिक यानी उसे मॉरल वैल्यूज भी मिले उससे, तो इसलिए कथा के रूप में बताने का प्रचलन ज़्यादा रहा भारत में।
और एक बात कही जाती है रामायण और महाभारत को लेके कि हमारे देश में रामायण, कई सारी रामायण हुई हैं, जैसे कि वाल्मीकि की जो संस्कृत रामायण है उसके बाद और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में रामायण लिखी गई है। तो कई लोगों का कहना है कि रामायण बहुत सारी हैं और ये एक सिंगल ट्रेडिशन नहीं है, सबके अपने अलग अलग राम हैं। लेकिन इसको अगर आप दूसरे तरीके से देखें तो इससे ये भी पता चलता है कि हिंदू धर्म में या भारतवर्ष में सनातन धर्म में किसी कथा को अपने समय काल परिस्थिति के अनुसार उसमें क्या परिवर्तन करने हैं और मूल रचना में ज़्यादा परिवर्तन ना करते हुए अपने क्षेत्र अपने समय को ध्यान में रखते हुए एक उसे एक उसमें एक नयापन लाया जा सके, इस बात पे भी ज़्यादा ध्यान दिया गया है। और सबके राम तो वही हैं, सबके रावण भी वही हैं, सीता माँ भी वही हैं, कुछ कुछ जगहों पे कुछ परिवर्तन करे गए हैं जैन रामायण में जैसे या बौद्ध रामायण में, लेकिन वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। स्कंद पुराण में लोकल ट्रेडिशन हमें मिलते हैं जिसके बारे में हम थोड़ी देर में उसे देखेंगे। जैसे स्कंद पुराण में काशी खंड है, उसमें काशी के बारे में पूरा पता चलता है, वैसे ही जगन्नाथ पुरी के बारे में पता चलता है, विभिन्न क्षेत्रों के बारे में पता चलता है, अरुणाचल प्रदेश के बारे में पता चलता है, कर्नाटक के बारे में पता चलता है। तो ये सारी बातें इस वीडियो के अगले संस्करण में हम इस पे और विस्तृत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।